दोस्तों गुड इवनिंग। तो बात करते हैं, आज हमने कल क्या बताया था निफ्टी और बैंक निफ्टी में, और आने वाले कल क्या हो सकता है। ठीक है, तो डिस्क्लेमर पढ़ना अनिवार्य है, जो कि आप लोग फास्ट करके हटा देते होगे। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। देखो ऐसा है, अगर दिल से आवाज़ आती है, किसी का फायदा हो रहा है, किसी को लग रहा है हाँ भाई होना चाहिए, ठीक है, तो दिल से जिसको आवाज़ आती है वो लाइक कर देना, नहीं आती तो कोई ज़रूरत नहीं, वो ज़बरदस्ती है। ठीक है, तो देखो मैं आज भी आप लोगों को मैं सुनवा देता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट है, आज टेलीग्राम मिटा दिया मैंने, है ना, कोई बात नहीं कल डालेंगे। तो YouTube के नीचे आप देखोगे जहाँ वीडियो देखते हो वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। देखो मैं आज क्या बताया था आप लोगों को। दोस्तों गुड आफ्टरनून। तो अभी जो मार्केट में ना नेक्स्ट मूवमेंट ऊपर वाला दिखाई देगा, वो कहीं 1:35 मतलब 13:35 मतलब 25 से लेके 35 के बीच में, अप्रोक्स मान लो 1:30 के बीच में ऊपर का मूवमेंट दिख सकता है। ठीक है, तो जब तक इससे बहस मत करो, थोड़ी बहुत नीचे जाता है देख लो, जहाँ सपोर्ट आता है वहाँ बाइंग बनेगी, है ना। जब तक चाय वाय पी के फ्रेश हो जाओ 1-1.5 घंटा में। ये है मार्केट का भाई, जिसके पास जो भी कॉल वगैरह है ना बुक कर लो प्रॉफिट। दोस्तों गुड इवनिंग। तो कल मार्केट में तेजी है, कल भी ना उतनी बड़ी तो नहीं। देखो ये सारी चीजें मैं बताया था जब मैंने डाला था ये मैसेज, जब 11:15 बज रहे थे, ठीक है, कि अभी बैठ जाओ। वहां से मार्केट नीचे आया है काफी, अगर देखा होगा तो 30-40 पॉइंट निफ्टी। फिर मैं आपको टाइम दे दिया, अभी टाइम जो मैं पहले देता था आप लोग चैनल पे भी डाल रहे हो, उसका कारण ये है कि जो समझदार आदमी है, एक्टिव आदमी है, वो सभी फायदा उठा रहे हैं। कुछ आदमी मेरी तरह जो कमजोर है ना, वो फंस जाते हैं उसमें, वो पहले से दिमाग बना लेते हैं कि ऊपर जाएगा या नीचे। तो वो होता क्या है, मार्केट का मूवमेंट का टाइम होता है वो। तो आज भी अगर मैंने आपको बताया था कि ये जो मूव आएगा करीब करीब 1:20 से लेके बोला 35 के बीच में आएगा, ऊपर का बोला है ना, वहां पे आया भी है नीचे और 70-80 पॉइंट ऊपर भी गया है मार्केट। 70-80 नहीं होगा, 50-60 होगा, ठीक है, मैंने वो डाला भी है। फिर जब मार्केट ऊपर पहुंच गया, मेरे को लगा भाई टाइम खत्म हो गया, अब नीचे आएगा, फिर मैंने डाला भाई कॉल से निकल जाओ। अगर उस टाइम पे कोई कॉल से निकल गया फायदा होगा, वहां से 45 पॉइंट नीचे आया है निफ्टी, ठीक है। फिर मैं कल के लिए बताया कि कल तेजी हो सकती है। तो ये सारी जानकारी देखो, मार्केट का सिर्फ इतना ही पता लग जाए कि मार्केट का मूवमेंट किधर है, जिससे कि हम उस साइड काम कर सकें। भाई मार्केट नीचे की तरफ है, नीचे की पुट लोगे तो नीचे फायदा होगा, मार्केट बुलिश है ऊपर की साइड है तो जहां नीचे है कॉल खरीदोगे तो फायदा होगा, सिंपल सिद्धांत है। आप लोग मैसेज करते हो अभी कॉल लेना है या पुट लेना है, ठीक है, तो जो चीज बताते हैं। सुबह मैं बोला नहीं था आप लोगों को, बोला था 60% ऊपर है, मतलब ऊपर की तरफ ज्यादा है, क्लियर बताया था सैटरडे को, वही हुआ है मार्केट में। आप बार बार देखोगे वो नीचे गिर के आ रहा था, बैंक निफ्टी नहीं सस्टेन हो पा रहा था, कहीं ना कहीं मंदी दिखाई दे रही थी। कुछ आदमी बोलते हैं कि इंग्लिश में बनाओ वीडियो। देखो भाई इंग्लिश की 4 लाइन बोलने में मेरे को कोई आपत्ति नहीं है, मैं बोल सकता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं इंग्लिश में वीडियो नहीं बनाऊंगा। मैं हिंदुस्तान का हूँ, हिंदी भाषी हैं हम लोग, हम हिंदी में वीडियो बनाएंगे, हमें फॉरेनर को नहीं दिखाना। मेरा बेटा भी, मैं आप लोगों को कई बार बताया, वो पहले अमेरिका के लिए काम करता था, अमेरिका मार्केट के लिए, वो टोटल वीडियो देखो उसके इंग्लिश में ही है। मैं उसको घर से उठा के मैंने कि इंडिया के मार्केट में काम करो, ठीक है भाई, हम अपने देश का सोचेंगे बाहर का सोचेंगे। बाहर मानो कोई इंडियन रहता है, वो हिंदी नहीं जानता, वो उसकी परेशानी है, वो मन देखो मेरा वीडियो, मेरे को कोई अंतर नहीं पड़ रहा। मेरे को कोई ये नहीं कमाना है कि भाई फेमस हो जाए बहुत ज़्यादा, जितने आदमी देख रहे हैं उतने बहुत हैं, ठीक है। तो ये हिंदी भाषियों के लिए वीडियो, हाँ जो सदर्न साइड वाले हैं एक्चुअल जो इंडियन हैं उनकी परेशानी है। तो ये मैं अप लिखना और पुलिस लिखना शुरू कर दिया, वो इतने से आप पकड़ लो मार्केट
जो है टुमारो 8 जून को पुलिस है, खत्म हो गई कहानी, इतने पे खत्म हो जाती है, उनको बाकी करने की जरूरत नहीं है कि भाई 8 जून को मार्केट हमारा बुलिश, जिस दिन डाउन होगा बीयर्स लिख देंगे, ठीक है। तो इसका काम खत्म हो गया इतनी सी बात में। एक फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का कोर्स अभी इस सैटरडे खत्म हो गया, नेक्स्ट से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो टोटल उसमें 5 रहते हैं, 5 आदमी, इसमें भी 5 किया है, जितने कोर्स अभी तक चले हैं सब में 5 आदमी होते हैं, इसमें भी 5 ही होंगे। तो जो कोर्स करना चाहता है, मैं चाहता हूँ वो थोड़ा जो ज्योतिष में जिसका इंटरेस्ट हो, उसका ग्रह संयोग अच्छा हो, कुंडली दिखा लो कि हाँ भाई आपको फायदा होने वाला है, नहीं तो पैसा बर्बाद मत करो, कोई मतलब नहीं है ना। जो आदमी जिसको एक्चुअल होना चाहिए, देखो कुछ ग्रह संयोग होते हैं जो सीखेगा फायदा होगा या ध्यान देगा, ऐसे नहीं कि आपने कर लिया फिर मेरे को भी गाली दो कि बाद में कि भाई सिखाया नहीं। अब जो पकड़ने वाला है ना, थोड़ा इंटरेस्ट है, हॉबी है उसको, बहुत रामबाण की तरह, ठीक है भाई। मैं कहता 20 दिन मार्केट खुलेगा, 1 महीना में 20 दिन में अगर आप 6-7-8 दिन पकड़ लो प्रॉपर के, हाँ भाई यहाँ प्रॉपर जो बताया इसके हिसाब से तेजी है, बन गए पैसा, ठीक है। और हम लोग जो प्रीमियम में भी काम करवाते हैं ज्योतिष के हिसाब से, अभी कुछ लोग लिखते हैं उसमें मैंने देखा है, ये कुछ नहीं है, बकवास है यार, आप लोग क्यों देखते हो, देखो मत ना है। देखो एक आदमी उसको देखता है, अपना समय भी बर्बाद करता है, आके देखता भी है, कितनी विडंबना की बात है ना भाई। ठीक है गलत हो रहा है लिखो, हमें भी परेशानी नहीं है, सही हो रहा है तो फिर किस लिए लिखते हो उसमें, मतलब सही में भी परेशानी है, परेशानी वो है कि पुट लेके बैठे। अभी मैं आपको बता देता हूँ, इसके ऊपर आप बहुत बोलते हो, मेरा व्यू यही है, 8,500 है, यहाँ अपना प्रॉफिट बुकिंग करो, तसल्ली करो। कोई बोलता है कितना गिर जाएगा, कितना ऊपर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, वो मेरे को कुछ नहीं पता है, सीधी सी हाँ आएगा यहाँ से नीचे मार्केट, पहले नीचे आएगा फिर कहीं ऊपर जाएगा, तो आप लोगों को अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। मेरा अभी भी यही है, जो काम करता है मंथली में करो, वीकली को छोड़ दो भाइयों, इस देश में क्रांति आ जाएगी। देखो वीकली किसके लिए है, जो चार्ट पे बैठा है, मैं काम करवा रहा हूँ देख रहा हूँ, कोई स्टॉप लॉस नहीं लगने देता, 2 रुपये भी मेरे उससे नीचे आएगा मैं जो भी बोलूँ भाई निकल जाओ यहाँ से, नहीं ऊपर जा रहा है ठीक है निकल गए। ये थोड़ी के स्टॉप लॉस का मतलब लगा के हम सो रहे हैं, आराम से पुट खरीद रहे हैं, सो रहे हैं, फिर ऊपर जा रहा है, फिर स्टॉप लॉस काट रहे हैं। जब मार्केट बुलिश है ऊपर का है, पुट में नहीं रहना होता, जब नीचे का चलेगा मैं आपको बता दूंगा, मैंने आपको बोला था 2 दिन पहले बताऊंगा, मैंने बता दिया है आपको लेवल, ये लेवल कहीं ना कहीं आपका कल आना चाहिए, नहीं आता तो पैसा घुमा देता है मार्केट को, वहां से पता लग जाएगा। मेरा टेलीग्राम चैनल है, मैं उस पर आपको मैसेज दे दूंगा, सुबह खुलते ही मार्केट में अगर तेजी नहीं हुई तो मैसेज मिल जाएगा। तुम लोगों को क्या करना होता है मैं बढ़िया बात बताता हूँ, अगर मान लो कोई हमने BTST खरीदी, बाई टू डे सेल टू मारो है ना, खरीदी, अब हमें लगा मार्केट आज विदेशी मार्केट डाउन है, अपना अभी मानो 50-40 पॉइंट नीचे खुल रहा है, मार्केट रेट पे लगा दो इसको, तो मान लो हम 100 रुपये की ले गए थे, 70-80 रुपये की निकल जाएगी, वे 20 का, अगर हम 15 दिन प्रॉफिट कमा रहे हैं 1 दिन लॉस हो जाएगा, और पुट खरीदो, ठीक है। मैं एक ये समझा रहा हूँ, ऐसा कुछ हो नहीं रहा, होता है तो हम बताएंगे, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को रात को नींद नहीं आती, XGS देखते रहते हो, इसलिए मैं बोलता हूँ कम पैसे से काम करो, जिससे कोई परेशानी नहीं हो आगे, ठीक है। एक जो जरोधा में अकाउंट खुलेगा वो प्रीमियम फ्री रहेगा उसके लिए, ठीक है, जो भी जिन्होंने खोले, आप लोग एकदम हल्ला मत मचा, पैसा डालो अकाउंट खोल लो, आराम से तसल्ली से काम करो, और मैं कहता हूँ दिन में 1-2 ट्रेड ही बनती है, ठीक अच्छी, उसमें मानो किसी के 5,000, 2,000, 3,000 रुपये प्रॉफिट हो गए ना, फिर बंद कर दो उसका। देखो एक आदमी पूरे दिन कितनी मेहनत करता है, जब जाके 30,000 रुपये पेमेंट होता है, कंपनियों में 15,000, 20,000 होता है। अब यहाँ मार्केट में है क्या, एक्चुअल 1,000, 2,000 रुपया
10,000 तक तो ट्रेडर को ऐसा लगता है कुछ नहीं है पैसा। तो इस चीज को समझो, मैंने पहले भी बताया था, वीडियो लंबा हो रहा है बिना मतलब के, मैंने पहले भी बताया कुछ पैसे रख लो, 10-10 की गड्डी रख लो या 50 के 50 नोट रख लो, 5,000 दो तीन बार ऐसे घुमा लिया करो उनको, यार 5,000 तो बहुत होते हैं, ये भी आएगा वो भी आएगा, तो उससे क्या होगा, तुम्हारी साइकोलॉजी बदलेगी। साइकोलॉजी एक दिन में किसी की कुंडली देखी मैंने बोल दिया ऐसा हो जाए, इतनी जल्दी नहीं होता, 1-2 साल 3 साल लगते हैं बदलने में, ठीक है। तो ये चीज़ देख लेना, थैंक यू, जय हिंद।